कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ मेरी बेहट का सफाया कैसे हुआ। मैंने खुद ही करा यार, कोई भूत आके तो करेगा नहीं। हाँ यार, बोर हो रहा था और मैंने सोचा यार थोड़ा डिफरेंट लुक रखते हैं, बाल थोड़े बड़े हो रहे हैं तो बियर्ड को थोड़ा सा ट्रिम रखते हैं। तो ट्रिम के चक्कर में ज्यादा ट्रिम हो गई, लेकिन यार मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मैं दाढ़ी हटा रहा था ना तो सुंदर सा चेहरा बाहर आ रहा था। सुंदर लगाऊं नहीं लग रहा हूं? नहीं, मैं टिकटॉक पे भी नहीं था ना, मुझे मीठा पसंद है। लेकिन मीठे की पहचान जिस बंदे ने कराई उसकी वीडियो आ गई है, मतलब वीडियो आज आई है। मैं आज ही वीडियो बना रहा हूं, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो कैरी मिनाटी की वीडियो कल आई है। समझ में आया? तो इसमें कैरी भाई मारने आ गया है। किसकी मारने आ गया ले आए? वो आ गया ले आए तो कुछ होता भी नहीं। आइडल्स इडलीज IDLES लिखा है ना, आइडल्स ऑफ इंडिया गॉन राइट, ऐसे होना था। लेकिन इडलीज की है, और इसमें सबसे बढ़िया बंदा जिसकी मारी जा सकती है ना, वो अगर मैं बताऊं तो नेहा कक्कड़ है और अनु मलिक। आई डोंट नो इस वीडियो में किस तरीके से कैसे किया और सरप्राइज दिया यार, मतलब कैरी भाई यू गेव अ सरप्राइज। ज्यादा समय नहीं लेते हैं, फटाफट लेट्स वॉच दिस वीडियो। आए मतलब थंबनेल में देखो कितना क्यूट लग रहा है कैरी, ऐसे मन कर रहा है ऐसे करूं और फाटे का मारूं, प्यार वाला है। हरियाली से घिरे नागपुर शहर में मैं आया हूं ताकि हम यहां किस्मत देखो, आज मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जिसे लोग असली मानते ही नहीं। मानते हो? नहीं मानते? खैर आज हम पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। इंडियन आइडल शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। बिना किसी डेडिकेशन आइडल, ये स्ट्रगल नहीं चिलिंग चल रही है। अभी इसके दोस्त आ जाएंगे, ठर्रा खुल जाएगा, पत्ते बिछ जाएंगे, और जब रिजेक्ट होगा तो यही लेट के बोलेगा भाई आ जाओ। ना गिलाफ ना लिहा फिटंडी हब क्यों आते हैं ससुरी, कोलंबियन डांस बहन चोत ससुरी। इसकी कोलाबा में इलीगल डांस फैक्ट्री है जहाँ पर ये चित्ता बेचने के साथ कोलंबियन जुम्पा रुप्पा सिखाता है। ये पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले, ये अब क्या कर रहा होगा ये बंदा? पड़ोसी चूल्हा फेंक के मारेगा, औंधे मुंह जाके गिरेगा, ये क्या तरीका आग मांगने का? आग ले ले। और इसका फैशन देख रहे हो, स्टाइल बाय मोनू डार्लिंग जी। स्टाइलर खानदान है हमारा, मैं स्टाइलर, मेरे दोनों बाप स्टाइलर और बच्चे जी ब्लॉगर है। आइए स्टाइल दिखाता हूँ आपको। ये रणवीर वाला है जी मालिक। हाथ जितना ठोको उतना कम। चूतिया कुछ भी पहन लेता है। और ये एम्प्लॉई ऑफ द मंथ झटकी ने ढूंढ के मार रहा है। इसको ऑफिस में नाम टुम्बकटू है, और ऐसे किसी के साथ भी चेस्ट टू चेस्ट करने में अजीब नहीं लगता। मुझे करना पड़े मैं तो कछुए की तरह से कुड़ जाऊंगा। ऑडिशन गया चाइना, ये है दीवाने ए खास। कव्वाली चल रही है, ताली बज रही है, कव्वाली चल रही है। भाई को चाहिए अटेंशन, भाई को करनी शादी, भाई को मिलती एक भी लड़की नहीं। इसके लिए तो खास बुरा लग रहा है मुझे, ये बौखला गया है। मैं फोन देखूं, मैं ताली बजाऊं, या फिर अभी भी वक्त तक कॉलेज चला जाता। बात चुदा है सपने, भूल जाना जाना मोहम्मद नहीं। हाय 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 हाय, क्या छेड़ा है, क्या हरकत पकड़ी है। पसीने आ रहे हैं, आंखें खुल नहीं रही है। अरे क्या गांव में शूटिंग चल रही है? तू याद ना ऐसा कोई दिन नहीं। अब तो डर लगता है, साला फॉर्म भर दो तो घर ही ना जाओ ऑडिशन लेने। एंड द बेस्ट मैं हूं। क्यों है तू? ये तो जानबूझ के आते होंगे। सारी जान तो मैं हूं, मैंने निकाल दी, अंत में ढीला पड़ गया बेंच। अच्छा कौन बोलता है बेंच? थोड़ा भुवन बम लगा। की याद आ गई, जो मास्क को नाक के नीचे पहनते हैं। खैर पूरा भी चढ़ा लो तब भी कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल मास्क नॉर्मल फिल्टर के साथ आता है जो तुम्हें पुलिस से बचा सकता है, कोरोना से नहीं। उसके लिए तुम्हें चाहिए जो भाई ने पहन रखा है, ओरिजिनल N95 मास्क। ये है आर्टिक फॉक्स का N95 गोल्ड सीरीज मास्क। इसमें 5 लेयर्स का एडवांस फिल्टर सिस्टम है जिससे 99.4% पॉलिटेंट्स और वायरस फिल्टर हो जाते हैं। इसका इलास्टिक भी काफी सॉफ्ट है जिससे कानों में दर्द नहीं होता, खासकर मेरे जैसे जिनके चार आंखें
ये प्रीमियम है, ब्लैक एंड व्हाइट दोनों में आता है, तो अपने हिसाब से देख लेना। 30% डिस्काउंट का भी जुगाड़ करवा, कोड डाल देना कैरी मिनाटी 30। और सबसे जरूरी ये है, रुक जा। अरे ये क्या होगा क्रिस्को, इसका जादू नहीं चल रहा है क्या? इसे तत्काल में बॉनविटा की ड्रिप चढ़ाओ, वरना ये यहीं फंस जाएगा। कहां से क्लिप निकाल लिया? ये लड़की कौन है, औरत, आंटी, सॉरी, ये कभी दिखी नहीं, मतलब आई डोंट नो हु शी इज। मैम एल्पली में क्या, एल्पली में लाला चाह लप लप, इसकी चुपान मीली मार रही है, इसे एक नया जादू चाहिए। अब इंडियन आइडल के ऑडिशन सिर्फ इंडिया में नहीं होते। अब हम आए हैं द ब्रिज लंदन, लंदन के अनारा है तो पक्का कुछ बहुत ही यूनिक और हटके। वहाँ भी गए थे? हमरा बात सुनिए तनिक। अरे भाई अनु मलिक, भाई अनु मलिक, जिंदगी पर बा पेपे को जाके कह दो बिट्टू ने हक दिया है, अंग्रेजों के जमाने से पूछते लंदन में रह रही है, रिजल्ट देख लो, लिरिकली क्रिमिनिकल भोजपुरी सरदार। आ जाओ आ जाओ, वापस आ जाओ, हो लिया लंदन। बड़े बड़ों जैसा काम करते हैं, आइए। ये मेरे घर है, आइए। ये मेरी मम्मी है, और ये है मेरी तिजोरी। तब दिखा दो कहाँ क्या रखा है। इंडियन आइडल ने पता नहीं कितने चोरों की जिंदगी बनाई होगी, हमें तो सिर्फ एक ही पता है। और ये बस इसी पे नहीं रुकते, पूरा डे ना लाइफ चलता है। पुरानी फोटो, पुरानी फोटो, किताब पढ़ने की एक्टिंग। बॉटी मारो, चलते चलते मार दिया। ओ भाई साहब, दैट वाज डैम अमेजिंग, दैट वाज डैम अमेजिंग। अनुवलिक की बात पापा के साथ जैमिंग। और ये तो चलो तब भी सिलेक्ट हुई थी, हम लोग वैसे भी सिलेक्ट होने के ख्याल से नहीं आए थे, कुछ दिल में जज्बा था आप लोगों से मिलने का, स्पेशली उदित जी से मिलने का और यहाँ तक आने का। क्या बात, चलो अब अपना घर दिखाओ। क्या बात है, ऐसे कहते हैं ना, इंडियन आइडल को अनजान घर में घुसना बहुत पसंद है, बल्कि जब तक डीओपी टेरेस पे जाकर सुट्टा ना मार ले तब तक रसम पूरी नहीं होती। इनके लिए सब स्पेशल है, किसी की नाक हल्की सी टेढ़ी है उसे वही पकड़ लेंगे। चल चल घर चल, इतिहास बता अपना, कब से गलत सुन रहा तू। वाह सलीम भाई वाह, आपका बहुत मैं देखता था। चलो खुदा हाफिज़। ठीक है चलें। ओके खुदा हाफिज़, बाय। लेके भाग जाएगा। अरे सडननेस, ये देख लो हिमेश रेशमिया स्कैमर एडिशन, इस काम के लिए जितने पैसे दिए जाए उतने ज्यादा है। और अभी तू रुको, अनु मलिक करने वाला है एक्टिंग। कभी मत करना ऐसा, हमारी नाक चोरी करता है। चर्रोता इतनी बकचोदी की, वो जो चुरा के भागा और नहीं ये तुम्हारे पास। लेकिन फिर पता कैसे चलेगा कि शो में अनु मलिक है, लिटरली हर दो सेकंड में ये ये काफी की गांड में नहीं घुस जाता तब तक सीजन कैसे खत्म हो सकता है। अनु मलिक काम डाउन, ये तीन तो तब भी ठीक है, बीच वाली तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल हो गई। क्या व्हाट यार, YouTube से बढ़िया स्किट्स तो इंडियन आइडल पे मिल जाती है। माय डियर बिजनेस, नो वन रॉब्स दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन आइडल करना का मजाक नहीं है, बिल्कुल मजाक नहीं है, इंडियन आइडल सब सीरियस काम होते हैं यहाँ पे। मैं दीवाने भक्त न करे निंदा में उड़ के नशे में फेर। अनु मलिक बैड लक पता है कैसे पकड़ता है। ये बात बोतल पे लिख के फेंक दो नदी में, खत्म कर दिया इन्हें शो। अनु मलिक वो टूटता तारा जिसे देख के कोई इच्छा नहीं मांगता, अनु मलिक वो सुर है जिसके अरिजीत लौड़े लगा चुका है, अनु मलिक वो एग्जाम है जिसका रिजल्ट अभिजीत सावंत है, अनु मलिक वो पार्टी है जिसका डीजे बॉबी है, अनु मलिक तानसेन होता तो अकबर उसे चिनवा देता, और अगर अनु मलिक मुंबई होता तो डूब जाता बहनचोद। तो यार बस आज का क्रियाक्रम यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें भी बॉम्बे जाना है तो लाइक मारो, और अगर तुम पहले से बॉम्बे में रह रहे हो तो मार नहीं पड़े। एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। और आर्टिक फॉक्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर फटाफट जाओ और कोड डाल देना याद से कैरी मिनाटी 30, डिस्काउंट जरूरी है यार। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय मोहित, प्ले दैट शिट। तुम हो गए आगे प्रिंसिपल पर मैं हूं पूरा स्कूल। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की जो रूह।
मैंने ही मिटानी है। You have every chance of coming in the top 5 of Indian Idol if you work hard. आए तो हो तुम सबके लौड़े बड़े लौड़े लग जाए। मेरा तो हो गया। हाथ तो पूल। ये क्या है वे? क्लिप्स बची हुई थी क्या? क्या हुआ है? कैसे खत्म हुई है? एक क्लिप और आ रही थी। तो कैरी भाई ने टारगेट रखा है 5 मिलियन लाइक का। हम उतने तो नहीं कर सकते हैं, 5,000 कर सकते हैं। यस ठोक देना यार, शेयर कर देना, 5,000 करवा देना। मतलब तो बंदे की क्या ही बात करें यार। जो स्क्रिप्टिंग है ऑब्वियसली ज्यादा टाइम लगाता है स्क्रिप्टिंग में, और जो मुझे पता है कि एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो स्क्रिप्टिंग बहुत बढ़िया थी। और जो जो बातों बातों में डीप छोड़ रहा था ना, बहुत बहुत सही तरीके से जा रहे थे वो। मतलब वो ऐसा इम्पैक्ट दे रहे थे कि इंसान बाद में सोच रहा है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि बाद में ओ ये क्या बोल दिया, ओ ये क्या बोल दिया। डैम अमेजिंग। और कैरी मिनाटी का जो स्टाइल है वो पता ही है। इस बार ज़्यादा गालियाँ नहीं थी, मतलब वैसे संदर्भ में ही गालियाँ बोलता हूँ, मतलब स्लैंग में गालियाँ बोलते हैं, तो उसी प्रकार से था। मतलब ऐसा हो चुका है कि जब पता चलता है कि कैरी मिनाटी की वीडियो आई है और इस चीज़ पर रोस्ट मारा है, तो अपनी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि भैया कुछ भयंकर ही क्या होगा। और वो हमेशा पूरी हो रही है अब। मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल पूरी हुई मेरे हिसाब से। मैं भी इस वीडियो को थम्स अप दूंगा, और जो उसके 5 मिलियन लाइक होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन उसमें मेरा भी एक लाइक ज़रूर होगा। आपको ये वीडियो, ये रिएक्शन अच्छा लगा, प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। बाकी जो मेरा लेटेस्ट व्लॉग है जिसमें थोड़ा हॉन्टेड भी है, बुलेट है, सरदार जी है, मसूरी अगर तुम्हें नहीं पता तो मतलब पहाड़ों वाली जगह है, खूबसूरत सा एटमोसफेयर है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला सबसे ऊपर। एंड डेफिनेटली तुम्हें मजा आएगा वो व्लॉग देखकर भी। 1,000 सब्सक्राइबर्स उसमें अभी हुए हैं रिसेंटली। मतलब अगर आप हो उनमें से जिसने वहाँ सब्सक्राइब कर चुके हो तो धन्यवाद, नहीं हो तो कर दो यार। और सबसे बढ़िया वो बोला था, मतलब चोरों की लाइफ बनाते हैं, तो एक मतलब वो जो चोरों वाला सीन था ना, वो नुमलिक के लिए था शायद, मतलब कन्फर्म कर देना अगर उसी के लिए था, तो भयंकर था वो। बाकी यहाँ एक बात तो है, मुझे भी है, मतलब इंडियन आइडल है सिंगिंग शो, लेकिन उसमें यार दर्द भरी कहानियां क्यों दिखाते हैं? ये आधा शो सिंगिंग, मतलब 40% सिंगिंग होती, 60% की गरीबी पे बेचते हैं शो को, समझ रहे हो तुम? वो दया ले आते हैं, फिर हमें भी दिल से कनेक्शन हो जाता है, साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, दिमाग के साथ खेलते हैं इंडियन आइडल। और तुम्हारे साथ सही क्या कह रही है आंटी ने? और साथ ही साथ ये मेरा नया लोग, इसके बारे में बता देना यार। मैं तुम लोगों से मिलता हूँ बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। सो बोलते रहो, खुश रहो, डू समथिंग।